हमारी पोस्टों को देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा नोटिफिकेशन के विकल्प को चुनिए। यूपीनाओ में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके साथ मंत्रों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। नौ प्रमुख ग्रह जब 12 राशियों में भ्रमण करते हैं तो 108 प्रकार के शुभ अशुभ स्थितियों का निर्माण होता है। यह परिस्थितियां पृथ्वी के हर मानव को प्रभावित करती है। आपाधापी और भौतिकता प्रधान इस युग में हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसके साथ सिर्फ अच्छी परिस्थितियां ही घटित हों, पर ना चाहते हुए भी बुरी परिस्थितियां भी आ जाती हैं। मंत्र शास्त्र कहता है कि बुरी परिस्थितियों को टाला जा सकता है या उसका प्रभाव इतना कम किया जा सकता है कि वे नाम मात्र का नुकसान कर चली जाएं। शास्त्र ज्ञाता कहते हैं कि कलयुग में होने का एक ही फायदा है कि हम मंत्र जप कर बड़े बड़े तप अनुष्ठान का लाभ पा सकते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी योग गुरु से ही वह मंत्र मिला हो। अगर गुरु ने दीक्षा देकर मंत्र दिया है तो और प्रभावी होता है। जिन्होंने मंत्र सिद्ध किया हो, ऐसे महापुरुषों द्वारा मिला हुआ मंत्र साधक को भी सिद्धावस्था में पहुंचाने में सक्षम होता है। सदगुरु से मिला हुआ मंत्र सबीज मंत्र कहलाता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का अनुभव कराने वाली शक्ति निहित होती है। मंत्र जाप से एक तरंग का निर्माण होता है जो मन को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। जिस तरह पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, उसी तरह मन हमेशा पतन की ओर बढ़ना चाहता है। अगर उसे मंत्र जाप का बल मिल जाए तो वह तरंग के रूप में ऊपर बढ़ने लगता है। कई मंत्र विज्ञान को ना मानने वाले लोग टीका टिप्पणी करते हैं कि जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो हम उसका नाम बार बार क्यों लें। मंत्रों के विज्ञान को समझने वाले लोग मंत्रों पर प्रश्न करने वाले लोगों को नासमझ मानते हैं, जो मंत्र की तरंग विज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं। मंत्र जाप का प्रभाव सूक्ष्म किंतु गहरा होता है। जब लक्ष्मण जी ने मंत्र जप कर सीता जी की कुटी के चारों तरफ भूमि पर एक रेखा खींच दी थी तो लंकाधिपति रावण तक उस लक्ष्मण रेखा को लांग ना सका था। हालांकि रावण मायावी विद्याओं का जानकार था, किंतु ज्यों ही वह रेखा को लांगने की इच्छा करता त्यों ही उसके शरीर में जलन होने लगती थी। मंत्र जाप से पुराने संस्कार हटते जाते हैं, जापक में सौम्यता आती जाती है और उसका आत्मिक बल बढ़ता जाता है। मंत्र जाप से चित्त पावन होने लगता है, रक्त कण पवित्र होने लगते हैं, भय शोक रोग आदि निवृत्त होने लगते हैं, सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में मदद मिलने लगती है। जैसे ध्वनि तरंगे दूर दूर तक जाती हैं, ऐसे ही नाद जप की तरंगे हमारे अंतर मन में गहरे उतर जाती हैं तथा पिछले कई जन्मों के पाप मिटाती देती हैं। इससे हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य प्रकट होने लगता है और बुद्धि का विकास होने लगता है। अधिक मंत्र जप से दूरदर्शन दूर श्रवण आदि सिद्धियां आने लगती हैं, किंतु शास्त्र के ज्ञाता मानते हैं कि साधक को चाहिए कि वह इन सिद्धियों के चक्कर में ना पड़े, वरन अंतिम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति में ही निरंतर आगे बढ़ें। मंत्र जप के भीतर की सोई हुई चेतना को जगाकर उसकी महानता को प्रकट कर देता है। यहां तक कि जब से जीवात्मा ब्रह्म परमात्म पद में पहुंचने की क्षमता भी विकसित कर लेता है। इसलिए रोज किसी एक मंत्र का हो सके अधिक से अधिक जाप करने की आदत विकसित करने चाहिए। मंत्र जाप से व्यक्तिगत जीवन में सफलता तथा सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है। यहां एक प्रश्न यह उठता है कि जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं वह सिद्धि देने वाला है अथवा नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने इस प्रश्न का जवाब देते हुए एक व्याख्यान में बताया था कि मंत्र जब जीवंत होते हैं तो उनमें विभिन्न लक्षण पाए जाते हैं, पर सामान्य लक्षण यह है कि मनुष्य उन्हें बिना किसी प्रकार का कष्ट अनुभव किए बिना बहुत देर तक जप सकता है और यह कि उसका मन शीघ्र एकाग्र हो जाता है। आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी हमें बताने का कष्ट करिएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम अंतर मन से आभारी हैं।
साधर।